नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों की कमर तोड़ दी है। हालांकि संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें वैक्सीनेशन पर फोकस कर रही हैं, क्योंकि यही कोरोना से निपटने के लिए सबसे उत्तम साधन है। वैज्ञानिकों की माने तो तीसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिसको हमने वोट दिया वो ऐसी स्थिति में लोगों के कितने काम आए, लोगों की किस तरह से मदद की, क्या वो इस बुरे वक्त में सामने आए, लोगों के साथ खड़े रहे, इसी की हम पड़ताल करेंगे और दिखाएंगे क्या है जमीनी हकीकत। हमारे खास कार्यक्रम नेताजी कहां है में सुनो नेताजी कहां है। चलिए आपको शाहजहांपुर की हकीकत दिखाते हैं कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आम जनता की किस तरह मदद उन्होंने की है और कितने एक्टिव रहे हैं। इसी कड़ी में न्यूज वन इंडिया ने शाहजहांपुर के ददरौल विधानसभा से बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह का रियलिटी चेक किया है। और जब न्यूज वन इंडिया ने विधायक से बात की तो विधायक जी बड़े बड़े दावे करने लगे। विधायक ने कहा कि अपने क्षेत्र में लगभग 45 किलोमीटर की सड़क बनवाई और एक बड़ा गौशाला, पुल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेत कई ऐसी चीजें अपने क्षेत्र के लोगों को तोहफे में दी हैं, जो आज भी लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। लेकिन कुछ समाजवादी विरोधी लोग उनका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं विधानसभा ददरौल से विधायक मानवेंद्र सिंह जी। सर, एक चीज समझना चाहेंगे कि दो वर्षों में कोरोना आया, कैसे आप लोगों तक पहुंचे, कैसे क्या क्या आपने मदद की। 4.5 वर्ष आपको विधायक बने हुए, क्या क्या क्षेत्र में काम हुआ अभी तक। जी, कोरोना के इस काल में हम स्वयं भी गए, कार्यकर्ताओं के साथ भी गए, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ गाँव में भी गए, दूरभाष पर भी उन लोगों से वार्ता की है और जो सहायता सरकार द्वारा दिलवाई जा रही थी उसको सहायता को दिलवाया उनको, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से, जिला अस्पताल के माध्यम से और जो लोकल स्थानीय जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके माध्यम से सारी दवाइयां सब जा जाकर गांव में देखा है, वहां पर बंटवाई है। नहीं, कुछ लोग पिछले से वर्ष कोरोना आया था तो कुछ लोग बाहर से जो मजदूर थे वो यहाँ पर आए, आपसे भी मिले होंगे, आपने कैसे मदद उन तक मदद पहुंचाई। जो करो पिछले साल जो कोरोना में बाहर से लोग आए थे, जो वहाँ मजदूरी बाहर करते थे, काम करते थे, उनके सामने खाने पीने की समस्या का संकट था तो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क राशन वितरण, महीने में दो दो बार राशन, चावल, गेहूँ, चना का वितरण करवाया। और जो उनके लिए दूसरी हम लोगों ने अपने माध्यम से और कार्यकर्ताओं के साथ उनको अलग से भोजन की व्यवस्था, पैकेट की व्यवस्था करवाई और सरकार द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1,000 रुपये उनके खातों में डाले गए वो भी सरकार द्वारा व्यवस्था उनकी की गई और जहां पर आवश्यकता पड़ी वहाँ हम लोगों ने अपने पास से व्यक्तिगत तौर पर सहायता करने का प्रयास किया और उनका मदद की है। क्षेत्र में आपके बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो पहले नहीं थी, वो आपने क्या क्या किया है क्षेत्रवासियों के लिए, सड़कें बनवाई होंगी, पुल बनवाए होंगे, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या काम किए। हमारे ददरौल विधानसभा क्षेत्र में गर्रा नदी पर यहाँ कोई पुल नहीं था, वो चांदापुर के पास अब पुल बनकर तैयार हो गया है और उसका उद्घाटन होना शेष रह गया है। और 2-3 बड़े बड़े नाले थे, करई नाला था जिसके ऊपर ग्राम खुलौली है, वहाँ पर आवागमन बड़ी दिक्कत थी, वहाँ पर एक लघु छोटा पुल बना, वो तैयार हो गया है, आवागमन शुरू हो गया है। सिंधौली के पास ददरौल ब्लॉक में एक नया लघु सेतु बना है, उसका भी तैयार हो गया, आवागमन शुरू हो गया है। और हमारे यहाँ भावलखेड़ा ब्लॉक में ग्राम है सिवरा, वहाँ स्वास्थ्य विभाग की बड़ी आवश्यकता थी, स्वास्थ्य की लिए अस्पताल की बड़ी आवश्यकता थी, वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो गया है और वो भी स्वास्थ्य के विभाग से, वहाँ 25-30 गाँव के लिए एक समस्या थी वो दूर हो गई है। तो ये थे हमारे साथ मानवेंद्र सिंह, विधायक विधानसभा ददरौल के।
हमारी बातचीत हुई, इन्होंने साफ तौर से कहा है कि क्षेत्र में जनता के जो रोष है, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विरोध करते ही हैं, लेकिन क्षेत्र में काफ़ी काम कराया है, काफ़ी विकास कराया है। अपने सहयोगी के साथ दीपक दीक्षित, न्यूज़ वन इंडिया, शाहजहांपुर। बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह के दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए न्यूज़ वन इंडिया ने क्षेत्र की जनता से बातचीत की है, तो विधायक के बारे में जनता की मिलीजुली राय सामने आई। कुछ लोगों का कहना है कि जनता के बीच विधायक मानवेंद्र सिंह नहीं पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि विधायक मानवेंद्र ने कोरोना काल समेत 4.5 साल में क्षेत्र में कई बड़े बड़े काम किए हैं। उन्होंने सड़क, पुल, स्वास्थ्य सेवाएं समेत कई विकास किए हैं। एक तरफ कुछ जनता मानवेंद्र सिंह से खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग विधायक से नाखुश भी दिखाई दिए। विधानसभा ददरौल की क्षेत्र में पहुंचा हूं और यहां से विधायक मानवेंद्र हैं, जो कि 4.5 वर्ष हो गए हैं विधायक को। लगभग ये खिजरपुर गांव है जहां पर मैं मौजूद हूं। ये बताइए दादा, क्या विधायक आपसे मिलने आए? 2 सालों से कोरोना चल रहा है, बहुत बड़ी बीमारी थी ये। जब रोड हमारे गांव को बनो तो कभी इसको उद्घाटन करने आए थे एकदम, तब से अभी तक नहीं आए। हमारे गांव सुविधा कोई नहीं दे उनने। अच्छा, नहीं 2 साल में परेशानियां तो बहुत आई होंगी। परेशानी खूब भाई, गई ने बचरे सब खाई लोग अल्लाह, मरो जाती आदमी भूखन में। अच्छा, तो विधायक से नहीं मिलने आए आपसे? विधायक का भाव नहीं आए। आप गए मिलने? आए तो खुल ली। आप गए? हम दूबा गए नल के लिए, हमारे सुनिए ना उनने। अच्छा, क्या विधायक जी से क्या उम्मीदें थी आपको जब उन्हें जिताया था? नहीं, हम लोगों ने तो खरमदी नहीं की थी उनकी। हाँ, सपा के आदमी हैं। अच्छा जी, नहीं तो विधायक बन गए थे उसके बाद उम्मीदें तो होगी आपको? हम नहीं, हम लोग जाते ही नहीं हैं। सफर करी जाते मगर नहीं कोई करते। अच्छा, हम लोग सब क्या क्या लगता है कि क्षेत्र में क्या होना चाहिए था? आपके यहाँ पर सड़कें के खराब होगी, या 2 साल में कोरोना आया था, लोग दिल्ली से वापस आ गए, अपने गाँव में रहने लगे, क्या उनको रोजगार वगैरह मिला? कुछ नहीं मिला। क्या उम्मीदें क्या थी? उम्मीद थी भाई, एक बार आए सड़क के नाम रोड का उद्घाटन करने, जब से कभी नहीं आए। अच्छा, क्या लगता है विधायक जी यहाँ क्षेत्र में नहीं आए कभी? हमारे तो तरफ यहाँ कभी आया नहीं, लगभग 3-4 साल हो गए। हम तो कभी अपनी तो तरफ से आया नहीं कभी। हाँ, रोड का उद्घाटन कर गया। अच्छा, रोड का उद्घाटन करने आए थे, तो मतलब ये बताओ दादा कि जो गाय है क्षेत्र परेशान करती होंगी, आप लोग जब तैयार करते हो फसल वो खा लेती होंगी सब, तो उसके लिए आप गए नहीं विधायक से मिले कि इस सुविधा हमको करवा दीजिए, कुछ व्यवस्था करवा दीजिए? हुआ जाओ कहो कह दिया कि पकड़ के बांध ले, तुम खबाबो, उन्हें छोड़ दें तो तुम खबाबो। अच्छा, और का कोई सुनती है का? परेशान दुनिया, रात रात भर खेतन में लेटे, रात 5-5 सैल की टारे चाहिए लाए, मड़ैया डारे, सियाल उखड़िया मारी, निरे सुगर दौरी पत्त। अब दिखाओ तो भैया पेट खाते रे पुरो गल्ला। अच्छा, क्या क्या होना चाहिए था ये बताओ? जे हो कुछ युवा वाली सोच, जे गाय पकड़ जाए गौशाला में चली जाए तो सही रहेगा किसान आदमी। कोरोना काल में कितनी दिक्कत आई? बहुत दिक्कत आई कोरोना काल में, यही बहुत दिक्कत आई। और गांव में खंजड़ा, पानी बारिश होती है तो बहुत भर जाता है। अब नाली बनवाई है, बनी नहीं, प्रधान ने भी नहीं बनवाई, पानी भरता नहीं, आना चाहिए इधर ताला। विधायक की तरफ से कुछ सड़क बनी है? सड़क नहीं बनी उनकी तरफ से, वो उद्घाटन करके गए थे, आए थे यहाँ एक बार। अच्छा, जब नल के लिए कहा गया तो कहा हाँ नल दे देंगे, कोई नहीं सुनवाई। अच्छा, तो अब तो 5 साल पूरे हो रहे हैं, फिर से विधायक बनाएंगे उन्हें? नहीं, हम तो भाई समाजवादी में वोट देंगे बस, हम समाज। बीजेपी क्यों नहीं देंगे? बीजेपी काम आ नहीं रहा है, कुछ काम धंधा हो नहीं रहा है। अच्छा, इसीलिए काम धंधा नहीं हो रहा है। क्या बीजेपी के विधायक को वोट नहीं देंगे इस बार? नहीं, बीजेपी को विधायक को वोट नहीं देंगे। वोट दे के क्या रहेंगे क्या, ये बताओ? जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारे जरूरत में हमारे काम नहीं आएंगे तो हम उनके यहाँ उन्हें दे के क्या करेंगे? जैसे हमें कोई काम हुआ तो हम आपके पास जाएंगे तो आप हमारे मदद नहीं करोगे तो हम क्यों आपको वोट देंगे? किसी को दे देंगे जो हमारी मदद करेगा, हम उसे वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष है, उनका यही कहना भी है कि अगर अगली बार वो यहाँ से बीजेपी का विधायक इसलिए नहीं चुनना चाहते क्योंकि उन 5 वर्षों में वो विधायक मानवेंद्र सिंह उनके किसी काम नहीं आए, और वोट लेकर के वो सिर्फ यहाँ पर एक बार आए थे, जो सड़क पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा के द्वारा बनवाई गई थी उसका उद्घाटन के लिए सिर्फ पहुँचे थे। 4.5 वर्ष में यही लोगों का आरोप है कि वो उनके बीच